ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश के 12 जिलों में अलग अलग कारणों से पिछले 1.5 साल से वंचित चल रहे पंचायत राज चुनावों को लेकर अगस्त में जारी होने वाली चुनाव कार्यक्रम पर अब एक बार फिर संकट के बादल छा गए हैं। इन 12 में से 3 जिलों की 5 पंचायतों के चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की रोक के बाद आयोग का सभी 12 जिलों में चुनाव कराने की योजना फिर से खटाई में पड़ सकती है। अब आगामी 13 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। फिर हाईकोर्ट से इजाजत मिलने के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव हो पाएगा, और अगर उच्च न्यायालय ने मना कर दिया तो एक बार फिर 12 जिलों में होने वाले ये पंचायत राज चुनाव अटक जाएंगे। आपको बता दें कि 12 जिलों के जिला परिषद या पंचायत समितियों के पुनर्गठन का काम भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन फिर भी इन चुनावों पर बार बार संशय के बादल छा जाते हैं। अब एक बार फिर से ये चुनाव मझधार में फंसते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल चुनाव वाले 12 जिलों में से कोटा, करौली और 12 जिले की क्रमांश खंडेली, तवरान, किशोरपुरा, कोठड़ा, बालरा और मेरमा चा ग्राम पंचायत के पुनर्गठन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में आई कमी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज चुनाव से शेष रहे इन 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन पंचायतों के पुनर्गठन में रही खामियों की वजह से यह अड़चन आई है। हालांकि हाईकोर्ट के नोटिस को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि इससे चुनाव पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। 13 अगस्त को होने वाली सुनवाई में आयोग अपना पक्ष रखने के साथ उच्च न्यायालय से चुनाव कराने की अनुमति भी ले लेगा। हालांकि आगे की प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगी। हाईकोर्ट आयोग और पंचायती राज विभाग की दलील से सहमत हो जाता है तो 3 जिलों की 5 पंचायतों के चुनाव पर की गई रोक हट सकती है। इसके साथ ही आयोग 15 अगस्त के बाद चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है। बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो पहले चरण में निर्वाचन आयोग 12 में से 7 जिलों में चुनाव करा सकता है। इसके लिए उन जिलों के कलेक्टर से आयोग ने चर्चा कर ली है। कलेक्टर्स को आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग की माने तो शुरुआत में भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही और श्रीगंगानगर जिलों में चुनाव कराने के लिए तैयार है। यहाँ पर ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।